नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले 30% तक बढ़ा HRA, इतनी बढ़कर आएगी कर्मचारियों की सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि हम किस सरकार की बात कर रहे हैं और किन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी कर दी है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी गई है। प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रदेश के महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय पहले केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी, जिसके पश्चात केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% के पार निकल गया था। महंगाई भत्ता 50% पहुंचते ही केंद्र सरकार ने HRA में वृद्धि की थी। इसके अंतर्गत अधिकतम हाउस रेंट 30% करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला ले चुकी है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा भी कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। वे सभी कर्मचारी जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, उन सभी को अब शहरों के महंगाई दर के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को विभिन्न महानगरों में पोस्टिंग दी जाती है। ऐसे में वे सभी मध्य प्रदेश शासक के कर्मचारी जो मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में पोस्टेड हैं, उन सभी को महानगरों में रहने की वजह से ज़्यादा किराए का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मानकों के अनुसार मिलने वाले वेतन मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए काफ़ी कम पड़ जाता है। इस कारण मध्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है, कर्मचारियों के महंगाई हाउस एंड अलाउंस में बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मोहर लगाई जा चुकी है और अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में रहते हैं, उन सभी को 30% से हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। अब वे सभी मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो दूसरे महानगरों में है, सभी को इसका फायदा मिलने जा रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं, अवकाश की समस्या को देखते हुए 30% की दर से हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाकर उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि अब भी उन्हें छठे वेतन आयोग के अंतर्गत यह गृह भाड़ा भत्ता दिया जाता है, जिसमें वेतन बैंड में 30% के आधार पर हाउसिंग अलाउंस में वृद्धि की जाएगी। कुल मिलाकर इस महत्वपूर्ण फैसले से मध्य प्रदेश के अधिकारी जो महानगरों में पदस्थ हैं, उन्हें निश्चित रूप से राहत मिलने जा रही है। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है तो उसके घर का किराया यदि 40,000 रुपये है तो कर्मचारी को 40,000 का 30% 12,000 रुपये हाउस रेंट अलाउंस के रूप में उसे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।